लोकसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं और इसी बीच नेताओं की बच्चूबानी भी अपने चरम पर है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एसपी प्रत्याशी आजम खान और बीजेपी प्रत्याशी जयप्रदा के बीच जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। रामपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए आजम खान ने एक बार फिर भाषा की मर्यादा लांघते हुए विवादित बयान दे डाला। गंदी बात नहीं कर रही थी, आपने 10 साल अपना प्रतिनिधित्व कराया, मगर आपने और मिलने क्या फर्क है? शाबाश वालों, रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो अंडरवेयर है वो खाकी रंग का है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस दौरान मंच पर एसपी अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी आजम खान को टोका नहीं। चलिए जवाबी हमले में सुनते हैं जयप्रदा ने क्या कहा। आजम खान साहब को ये आदत है, आदत से मजबूर है, अगर ये नहीं करता है तो ये नई बात होगी, लेकिन बात ये है कि इसके स्तर किस तरह का गिर गया है कि ये संविधान को लोकतंत्र के ऊपर दर्जा उड़ा रहे, कि ये कभी सुधरेगा नहीं कि मैं एक महिला को, हम लोग इसको रिपीट भी नहीं कर सकते, इसको वापस हम ये टिप्पणी किया करके हम मुंह से बोल भी नहीं सकते हैं, उस तरह की जबान इन्होंने इस्तेमाल किया है इस बार, तो मतलब हद पार कर दिया। अब मेरा क्षमता खत्म, अब मेरे लिए वो कभी भी भाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्थ प्रकाश टीवी। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।